हाय दोस्तों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और अच्छे अच्छे कामों में बिजी होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बारीक बारीक लीफ वाला एक ग्रीन कलर का प्लांट ग्रास की तरह आपके सामने है। आप पहले अच्छी तरह इसे देख लीजिए, कितनी बारीक इसकी पत्तियाँ हैं और इसकी टिप पर किस तरह से बारीक बारीक से फ्लावर्स भी आ रहे हैं जो नीचे की साइड झुक रहे हैं। इसकी ब्रांचेस भी दोस्तों नीचे की साइड ही झुकी रहती हैं, इसीलिए लोग इसे हैंगिंग पॉट में और हैंगिंग बास्केट में लगाना बहुत पसंद करते हैं। तो दोस्तों, रेसेलिया इसका साइंटिफिक नेम है और मुकामी ज़बान में इसे बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है। जैसे कहीं इसे कोरल फाउंटेन ग्रास कहा जाता है, तो कहीं इसे फायर क्रैकर ग्रास भी कहा जाता है। तो दोस्तों, बहुत प्यारा और हार्डी प्लांट है, समर सीज़न में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करता है, एक परमानेंट प्लांट है ये। दोस्तों, अगर आपके यहाँ, आपके सिटी में, आपके कंट्री में बहुत ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है तो ये उस वक्त भी फ्लावरिंग करेगा। दोस्तों, कोरल फाउंटेन ग्रास शायद इसे इसलिए कहा जाता है कि इसकी ये ब्रांचेस नीचे की तरफ झुकी रहती हैं और इनके टिप पर ये रेड फ्लावर्स के गुच्छे नीचे की साइड पे झुक रहे होते हैं। बहुत प्यारा प्लांट है दोस्तों, तो आइए इसके बारे में कुछ बात करते हैं। दोस्तों, समर फ्लावरिंग प्लांट है ये, लेकिन एक परमानेंट प्लांट भी है। तो फ्रेंड्स, आप इसे हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं, बहुत ज़्यादा ब्यूटी देता है और ग्राउंड कवर के लिए भी ये एक बेस्ट प्लांट है। दोस्तों, इस प्लांट को कोरल फाउंटेन इसलिए भी कहा जाता है कि इसकी बारीक बारीक पत्तियों वाली ब्रांचेस नीचे की साइड गिरती हैं, जिस तरह किसी फाउंटेन में पानी नीचे की तरफ गिरता है। इसे भुरभुरी मिट्टी पसंद है। पानी दोस्तों आप इसे समर सीज़न में दोनों टाइम दे सकते हैं और इसकी पत्तियों पर शावरिंग भी कर सकते हैं। विंटर सीज़न में दोस्तों आप इसे किसी ऐसी जगह रख दीजिए जहां बहुत ज़्यादा ठंड ना गिरती हो या बर्फ़ ना गिरती हो, तो आपका प्लांट विंटर में भी सर्वाइव करता रहेगा। बस इसे विंटर सीज़न में पानी की ज़्यादा नीड नहीं होती है। दोस्तों, बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है। अगर इसका डब्बा दबा दिया जाए, जिस जगह ही प्लांट रखा हुआ है दोस्तों, उसकी बराबर में एक और पॉट मिट्टी से भरा हुआ रख के इसकी ब्रांचेस उस पॉट में दबा दीजिए और उस पर मिट्टी अच्छी तरह डाल दीजिए, तो कुछ ही दिनों में वहाँ से रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी और इसका डब्बा गिरी से बहुत अच्छा एक नया प्लांट बन जाएगा। तो अब जब इसकी दोस्तों रूट्स आ जाएं उस ब्रांच में, तो मदर प्लांट से उसे कट कर दीजिए, तो आपका प्लांट सेपरेट हो जाएगा। उसके अलावा दोस्तों, इसको कटिंग से भी बहुत इजी ग्रो किया जाता है। दोस्तों, कटिंग से ग्रो करने पर हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह कटिंग से ग्रो करके इससे हम और भी प्लांट बना सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, जहाँ से इसकी ब्रांचेस निकल रही हैं, जहाँ इसकी मेन रूट्स हैं, उस जगह से छोटे छोटे बेबी प्लांट भी निकलते हैं, तो हम उन प्लांट को भी अगर सेपरेट कर लें तो हमें न्यू प्लांट मिल सकते हैं। दोस्तों, इसे फायर बुश भी कहा जाता है। आइए हम आपको करीब से दिखाते हैं। ये देखिए, ये इसकी बर्ड्स आ रही हैं जैसा कि आप देख रहे हैं, और ये इसके फ्लावर्स हैं। दोस्तों, बहुत प्यारा प्लांट है ये, बहुत ब्यूटी और बहुत ज़्यादा ग्रीनिश देता है। दो तीन प्लांट दोस्तों अगर ये हैंगिंग बास्केट में लटक रहे हों तो आपकी बैल्कनी इससे सज जाएगी। एक बहुत प्यारा सजावटी पौधा है ये।
दोस्तों कोरल फाउंटेन ग्रास को भी आप अपने गार्डन में ऐड कीजिए, अपने प्लांट के साथ ऐड कर लीजिए। ये देखिए इसकी छोटी छोटी सी बर्ड्स आ रही हैं बारीक बारीक। दोस्तों बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करता है ये प्लांट, मेरा पौधा अभी छोटा है इसलिए आपको इस पर से फ्लावरिंग कम नज़र आ रही होगी। उसके अलावा दोस्तों क्योंकि मॉनसून सीज़न है, बारिशों की वजह से भी इसके बहुत ज़्यादा फ्लावर्स झड़ चुके हैं। और फ्रेंड्स हम आपको दिखाते हैं कि ये देखिए इस जगह से ये छोटे छोटे से बेबीज़ निकल रहे हैं, तो आप इनको निकाल के न्यू प्लांट भी बना सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको फाउंटेन ग्रास पर हमारी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल स्मॉल गार्डन विद आरजे को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना हरगिज़ ना भूलिए।